20 वर्षीय राकेश कुमार हुआ लापता, अनजान नंबर से मांगा गया फिरौती 50,000। परिवार में मचा हड़कंप, थाना नगर कोतवाली में मुकदमा हुआ पंजीकृत। 28 जनवरी को राकेश कुमार गोंडा से ट्रेन पकड़ करके जा रहा था अमृतसर। 6 दिनों से परिजन परेशान, एसपी से लगाए न्याय की गुहार, ग्राम बखाया का मामला। तो बलरामपुर से बड़ी खबर आ रही, बलरामपुर में 28 जनवरी को राकेश कुमार 20 वर्षीय गोंडा से ट्रेन पकड़ के जा रहा था अमृतसर। बीच रास्ते से हुआ गायब, मोबाइल हुआ बंद, परिजन हुए परेशान। अनजान नंबर से आया फोन, मांगा गया फिरौती 50,000। थाना नगर कोतवाली में मुकदमा हुआ पंजीकृत, ग्राम बफाया का मामला। परिजन ने एसपी केशव कुमार से लगा रहे न्याय की गुहार। 20 वर्षीय राकेश कुमार हुआ लापता, अनजान नंबर से मांगा गया फिरौती 50,000। परिवार में मचा हड़कंप, परिजन ने एसपी केशव कुमार से लगा रहे न्याय की गुहार। एसपी केशव कुमार ने दिया भरोसा। इस वक्त हमारे साथ राकेश कुमार के पिता छोटकाऊ जुड़ गए हैं। छोटकाऊ, क्या है ये पूरा मामला? आपका बेटा किस तारीख को गया और अभी तक क्या हुआ, क्या है पूरा मामला, जरा बताइए हमको। सर, हमारा बेटा गोंडा से ट्रेन पकड़ा था अमृतसर के लिए। सर, कितने तारीख को पकड़ा था? ये 28 तारीख को सर पकड़ा था। हाँ, 28/1/2023 को ये गया है सर जी। इससे एक कॉल हमारे से बात हुआ है, फिर उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया जी। उसके बाद हमारे से कोई बात नहीं हो पाया, ना कोई लेना। तीसरे चौथे दिन हम सर उससे फिर बात किया, वहाँ ठिकाने पर नहीं पहुँचा जी। फिर हमने थाना नगर कोतवाली में इसको जा करके सर FIR दर्ज किया। हाँ। एक व्यक्ति ने लेडीज से हमारे फोन किया हमारे पास कि आपका लड़का हमारे पास है और आकर के अपना लड़का ले जाइए, 50,000 हमें नगद दे दीजिए। अच्छा। उसके बाद से उसका भी मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, हमारे से कोई बात नहीं हुआ जी। मैं बार बार फोन करता रहा हूँ लेकिन उसका कॉल जाता है लेकिन उसका उठ नहीं रहा है फोन जी। उसके बाद से हमसे कोई बात नहीं हुआ सर, मैं अभी तक इंतजारी कर रहा हूँ। जिस नंबर से छोटकाऊ आपके पास कॉल आया था कि 50,000 रुपया दे दीजिए और फिर आपका लड़का हमारे पास है, क्या आपको लगता है कि आपका लड़का किसी साजिश के तहत या उसको कोई बंधक बना रखा है? सर, यही तो शक हो रहा है सर कि किसी ने बंधक कैसे बनाया सर, हमें कुछ नहीं पता हो रहा है। अच्छा जी सर, अब उसका फोन चले तो फिर कुछ पता लगे सर, वैसे हम क्या बताएं। तो जब आपने कोतवाली नगर में 31/1/2023 को जब आपने तहरीर दिया और उसके बाद उस पे गुमशुदी का मुकदमा भी दर्ज हुआ, उसके बाद पुलिस के तरफ से कोई कार्रवाई हुई कि अभी तक नहीं? अभी तक कुछ नहीं हुआ सर। अच्छा जी। फिर आपने एसपी से भी गुहार लगाया? हाँ जी, एसपी से भी गुहार लगाया हूँ। कितने तारीख को एसपी के पास आपने गए? 2 तारीख को भी लगाया हूँ, कल भी 3 तारीख को भी लगाया हूँ सर। अच्छा, तो एसपी केशव कुमार के तरफ से क्या आपको आश्वासन दिया गया? आश्वासन दिया गया सर कि इसका मुकदमा देखा जाएगा, आप निधर रहो। अच्छा जी सर। तो आपका लड़का गायब है, एसपी साहब ने आपको आश्वासन दिया है कि आपका लड़का कहीं भी होगा हम लेके आएंगे, आश्वासन दिया कि आप निश्चिंत रहिए, लेकिन क्या आप और आपके परिजन कितना निश्चिंत हैं? प्रशासन के जो एसपी साहब या जो पुलिस विभाग कह रही है कि आप निश्चिंत रहिए, क्या आप उनके बातों से सहमत है? आप लोग कितना परेशान है सर? 8 दिन हो गया, चूल्हा नहीं बना, खाना नहीं खाया है सर। जिस नंबर से आपको फोन आया था, जो लेडीज फोन कर रही थी आपको कि 50,000 रुपया दीजिए, आपका लड़का हमारे पास है जी सर, क्या उसके मोबाइल ट्रस्ट प्रशासन ने किया या कुछ किया, क्या निकल करके सामने आया? हाँ सर, उसको नंबर में दिया हूँ, नंबर दे के आया हूँ, उन्होंने कह रहे थे कि इसका हम क्या करूँगा। अच्छा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक कुछ नहीं है, कितने दिन हो गए अभी तक कुछ नहीं हुआ? ये आज 5वां दिन है सर। चलिए छोटकाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद।